हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो सीवन ई लर्निंग। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जो आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में केरल सरकार कोविड के प्रसार का आकलन करने के लिए किसका अध्ययन किया है? तो केरल में लोगों के बीच कोरोना वायरस के प्रसार का जायजा लेने के लिए राज्य सरकार एक सेरो प्रवलेंस का अध्ययन कर रही है। सेरो प्रवलेंस यानी हाल ही में केरल सरकार कोविड के प्रसार का आकलन करने के लिए सेरो प्रवलेंस का अध्ययन किया है। ये अध्ययन सितंबर 2021 में शुरू हुआ और महीनों के अंत तक पूरे होने की उम्मीद है। बच्चों सहित विभिन्न आयु समूहों के कोविड सेरो पॉजिटिविटी दर को समझने में मदद करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी किस देश की आधिकारिक यात्रा करेंगी? तो विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी हाल ही में अपनी आधिकारिक यात्रा पुर्तगाल और स्पेन की आधिकारिक यात्रा करेंगी। यात्रा के दौरान पुर्तगाल में काम करने के लिए भारतीय नागरिकों की भर्ती पर एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। 15 से 17 सितंबर तक स्पेन की अपनी यात्रा के दौरान वह द बिल्टल एंड इंडिया प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भवन का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो इस भवन का नाम है सरदार धाम भवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया। इन्होंने इस अवसर पर सरदार धाम फेज टू कन्या लय की आधारशिला भी रखी। सरदार धाम का निर्माण 200 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसमें छात्रावास, पुस्तकालय आदि जैसी अत्याधुनिक सुविधाएँ हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये विजय गोयल, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल हैं, इन्होंने गांधी स्मृति और दर्शन इस समिति के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। इन्होंने राष्ट्रपति महात्मा गांधी की शहादत स्थल गांधी स्मृति नई दिल्ली में एक समारोह में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में गुजरात के किस मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बिना कोई कारण बताए अचानक इस्तीफा दे दिया है। रूपाणी इस्तीफा देने वाले भाजपा के तीसरे मुख्यमंत्री हैं। वह राजकोट पश्चिम का प्रतिनिधित्व करने वाले गुजरात विधानसभा के सदस्य हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कौन ग्लोबल वर्चुअल टेक्नोलॉजी समिट 2021 की मेजबानी करेगा? तो पैन आईआईटी इंडिया, आईआईटी के पूर्व छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक अम्ब्रेला संस्था 17 से 18 सितंबर 2021 को अपने प्रमुख कार्यक्रम ग्लोबल वर्चुअल टेक्नोलॉजी समिट 2021 का आयोजन करेगी। वर्चुअल ग्लोबल समिट हैकाथन और स्टार्टअप शोकेस के साथ आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कहाँ पर नुआखाई कृषि उत्सव मनाया गया? तो उड़ीसा में नुआखाई राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव मनाया गया। प्रथा के अनुसार लोग अपने स्वयं के उपभोग से पहले देवताओं को फसलों के नए अनाज चढ़ाते हैं। अनुष्ठान के अनुसार धान की नई फसल से तैयार दलिया, जैसे नबन्ना कहा जाता है, देवी समलेश्वरी को चढ़ाया जाता है और भरपूर फसल के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किन दो भारतीय शिक्षकों को 2021 वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो बिहार के भागलपुर के गणित शिक्षक सत्यम मिश्रा तथा हैदराबाद की सामाजिक अध्ययन, अंग्रेजी और गणित की शिक्षिका मेघना मुसनरी को $1 मिलियन के वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए शीर्ष 50 शॉर्ट लिस्ट में जगह बनाई है। यूनेस्को के साथ समझदारी में वर्की फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस पुरस्कार ने 121 देशों में 8,000 से अधिक नामांकन और आवेदन प्राप्त किए थे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कहां पर
मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने तेलंगाना के विकाराबाद में औपचारिक रूप से मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का शुभारंभ किया। यह परियोजना भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है, क्योंकि यह स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में दवाओं और कोविड के टीकों को वितरित करने वाली पहली संगठित ड्रोन सेवा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारतीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने किसके साथ जैव ईंधन पर भारतीय अमेरिकी टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में भारतीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अमेरिकी ऊर्जा विभाग के साथ जैव ईंधन पर भारतीय अमेरिकी टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है। टास्क फोर्स ऊर्जा सुरक्षा के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के इनपुट को एकीकृत करेगी और नवीनतम तकनीक के आदान प्रदान को बढ़ावा देगी और जैव ईंधन क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए भारतीय और अमेरिकी बाजारों को प्रोत्साहन करेगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में जुलाई 2021 में औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? हाल ही में जुलाई 2021 में औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये वृद्धि हुई है 11.5% की, 11.5% की जुलाई 2021 में औद्योगिक उत्पादन में 11.5% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, जुलाई 2021 में निर्माण क्षेत्र का आउटपुट जो है 10.5% बढ़ा है। जुलाई 2021 में खनन उत्पादन 19.5% और बिजली उत्पादन में 11.1% की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार ये जो औद्योगिक उत्पादन में प्रतिशत में वृद्धि हुई है वो 11.5% है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में यूजेस नेटवर्क सिस्टम और वन वेव ने अमेरिका और भारत में किस सेवा के लिए समझौते की घोषणा की है? यूजेस नेटवर्क सिस्टम और वन वेव ने अमेरिका और भारत में लो अर्थ आर्बिट सेवा के लिए एक समझौते की घोषणा की है। भारत में पार्टियों ने देश के ग्रामीण और दूरदराज के हिस्सों में व्यवसायों, सरकार, दूरसंचार और ISP को सेवा वितरित करने के लिए एक रणनीतिक समझौते के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो सरदार इकबाल सिंह ने हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। यह एक पूर्व IPS अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा हैं और अप्रैल 1981 में सिख अलगावादियों नेता जर्नैल सिंह भिंडरांवाले को गिरफ्तार करने के लिए चुने गए अधिकारियों की 3 सदस्यीय टीम में शामिल थे। लालापुरा वर्तमान में कई सामाजिक संगठनों के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं और उन्होंने 14 पुस्तकें लिखी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसके सहयोग से देश भर में स्पेस चैलेंज 2021 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग ने इसरो और CBSE के सहयोग से देश भर में सभी स्कूलों छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज 2021 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने झारखंड के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? एशियाई विकास बैंक ADB ने और भारत सरकार ने 112 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह झारखंड राज्य के 4 शहरों में बेहतर सेवा वितरण के लिए जल आपूर्ति बुनियादी ढांचों के विकास और शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता को मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कहाँ की सरकार 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में मनाएगी? तमिलनाडु सरकार 11 सितंबर को कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। थैंक यू।